वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम प्रथम प्रश्न को लें। श्री राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में हम बारंबार दंडवत प्रणाम। आज का प्रश्न है गुरु जी। गुरु जी राधे राधे, मेरा नाम स्वाति है, मैं बेंगलुरु से हूँ। गुरु जी मेरा सवाल यह है कि मेरे पास बाल रूप में राधा रानी और लड्डू गोपाल की सेवा है, मेरा उनसे वात्सल्य भाव है। मैं आपके प्रति भक्त प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में सुना था कि अगर आपके भगवान से वात्सल्य भाव है तो अपवित्र अवस्था में भी भगवान की सेवा जरूर करें, लेकिन एक प्रश्नोत्तरी में आपने बोला था कि विग्रह को नहीं छूना चाहिए, तो फिर क्या 4 दिन तक भगवान को नहलाए नहीं और सुलाए नहीं, फिर क्या वह ऐसे ही बैठे रहेंगे? जब मेरे पास सिर्फ लड्डू गोपाल थे तब मैं अपने हस्बैंड से उनकी सेवा कराती थी, लेकिन मुझे उनकी सेवा करने का तरीका पसंद नहीं आता, और अगर मैं उन्हें टोकती तो वह उनको अच्छा नहीं लगता, पर जब मैं राधा रानी को घर ले आई तब से मैं ही उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि राधा रानी को पुरुष लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं बहुत दुविधा में हूँ, क्या मैं अब अपवित्र अवस्था में उनकी सेवा करके कोई पाप तो नहीं कर रही हूँ? कृपया करके मार्गदर्शन करें श्री राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आप ये समझिए कि जैसे अपना शरीर होता है ऐसे ही भगवान की पूजा की जाती है। जैसे आपका अपना छोटा बच्चा हो, अब कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है तो कुछ नहीं देखा जाएगा कि हम शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, तब तो खिलाना ही है। दूसरा कोई जिस आपको विश्वास युक्त लगता है तब दूसरे से करवाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को जैसे दूसरे के हवाले नहीं कर सकते हो, ऐसे ही अपने भगवान को दूसरे के जिम्मे नहीं करना चाहिए। आप खुद करिए, यदि वात्सल्य भाव है तब तो कोई बाधा है ही नहीं आपको, और यदि कोई दूसरा आपसे अधिक भक्ति में है तो उसके आशीर्वाद पाने के लिए उनको दे सकते हैं कि आप मेरे लाला को आशीर्वाद दे दीजिए क्योंकि आपकी भक्ति हमारे से भी ज्यादा है। अन्यथा जब तक कोई ऐसा नहीं उपलब्ध होता है तब तक सर्वोत्तम आप ही हैं उनकी सेवा के लिए। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरु जी, मेरा नाम सूरज है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि शैव संप्रदाय में मुझे संन्यास दीक्षा कहाँ मिल सकती है? कृपया ऐसे शैव संप्रदाय के बारे में बताइए जो शिव जी की सगुण साकार रूप, जिसमें शिव जी की नाम रूप लीला धाम की उपासना पद्धति हो, क्योंकि अधिकतर निराकार उपासना करने वाले संतों के बारे में सुनने को मिलता है, जिनको सुनकर शिव जी की सगुण साकार रूप के प्रति जो भाव है वह कम सा हो जाता है, फिर नाम जाप सेवा आदि करने में मन नहीं लगता। मुझे भगवत प्राप्त संत कहाँ मिलेंगे? अथवा कुछ संतों के बारे में बताइए जिनकी निष्ठा और अनंतता शिव नाम जाप, उनके रूप नाम लीला और धाम में हो, श्री राधे गुरुदेव बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। शैव संप्रदाय जो होता है वो दंडी स्वामी अद्वैत वेदांती जो होते हैं वो सब के सब होते हैं। जैसे अपने भारतवर्ष में 4 पीठ हैं शंकराचार्य जी के, उत्तर में ज्योतिष पीठ, अब उसमें भी कुछ लीला ऐसी भगवान की है कि 2 पीठ हो गई है, एक पर दूसरे शंकराचार्य, एक पर दूसरे हैं, अब उसका कारण तो मैं क्या बताऊं। तो एक जो जोशी मठ में एक है ज्योतिष मठ का पीठ जोशी मठ में, और दूसरा है बाद में बनाया हुआ, पुराना तो जोशी मठ में है, नया वाला है बद्रीनाथ में, तो दोनों ही एक ही पीठ के शंकराचार्य। और ये उत्तर में है, पश्चिम में है द्वारकापुरी का, पूरब में है जगन्नाथपुरी का पीठ शंकराचार्य जी का, और दक्षिण में है रामेश्वरम। और काशी का और कांची का और ऐसे ही एक और है, 3 है उपपीठ, लेकिन मुख्य पीठ तो 4 है। तो
आप इन पर जो भी शंकराचार्य हैं वो सब शैव उपासना के हैं, आप उनसे शैव दीक्षा ले सकते हैं। अब भगवत प्राप्त पुरुष की बात जो आपने कहा है, तो भगवत प्राप्त पुरुष किसी संप्रदाय के ही अंतर्गत नहीं होता। अब भगवत प्राप्त पुरुषों में से एक बहुत ही महान श्री हनुमान सात पोद्दार जी थे, उनकी तो ये स्थिति थी कि 3-4 मिनट के बाद कोई भी वस्तु उनको भगवान दिखलाई पड़ती थी। एक तक देख रहे हैं, मान लीजिए कोई मशीन देख रहे हैं, कल पुर्जा देख रहे हैं, दीवाल देख रहे हैं, किसी मनुष्य को देख रहे हैं, किसी कुत्ता बंदर को देख रहे हैं, 3 सेकंड लगातार उसको देखने के बाद वो भगवान कृष्ण दिखलाई पड़ता था। इतना महान भगवत प्राप्त पुरुष थे वो। वो किस संप्रदाय के थे? वो किसी संप्रदाय के नहीं थे, किसी संप्रदाय के नहीं थे वो। बचपन में दीक्षा उनकी हुई थी, इसके बाद तो गोयंदका जी महाराज के सानिध्य में, उनके निर्देशन में भक्ति करने लगे, और बाद में तो फिर राधा कृष्ण भगवान ने अपना लिया, फिर तो उन्हीं की इच्छा अनुसार चलते थे। तो भागवत प्राप्त महापुरुष किसी एक संप्रदाय में नहीं होते हैं, सभी संप्रदाय में होते हैं और बिना किसी संप्रदाय के भी होते हैं। शैव दीक्षा लेना है तो शंकराचार्य जी से ले लीजिए, और भागवत प्राप्त महापुरुष का कोई अता पता नहीं बता सकता है, आपको खुद खोजना पड़ेगा। हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से मिले तो कुछ अपनी राय में दे सकता हूँ। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं 1 साल से श्री राधा कृष्ण भ्याम नमः का जाप कर रही हूँ, यह ठीक है? जो भक्त माता संतोष जी जपा करती थी। श्री राधे राधे। बिल्कुल ठीक है, जप तो आपका सही है, लेकिन मेरी राय यह है कि ये दीक्षा किसी से लेनी चाहिए, क्योंकि ये मंत्र है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण खूब जपो आप। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपने के लिए किसी से दीक्षा आपको नहीं लेना है, बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपने बताया वो मंत्र है, वो जपने के लिए किसी महापुरुष से, किसी भक्त से, किसी संत से दीक्षा ले लें तो पूर्ण अधिकार हो जाता है। और नहीं लेनी है दीक्षा तो प्रभु का नाम ही आप जपते रहो, उसी से ही आपको पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी यह कह रही हैं कि मैं दिन भर में कभी कभी टाइम निकालकर 200 माला ही जप कर पाती हूँ, जिसमें बच्चों से बात भी करती हूँ और जब भी करती हूँ। भगवान मेरे इस जप को स्वीकार करते होंगे या नहीं, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। 200 माला जप। देखिए, जप तो भगवान का कैसे भी करो कल्याणकारी ही होता है। 9 दोहे में बालकांड में 18 नंबर दोहे से 27 नंबर दोहे तक, बालकांड के 18 नंबर दोहे से 27 नंबर दोहे तक, 9 दोहे तक पूरा का पूरा नाम महिमा तुलसीदास जी ने बताई है। और 9 दोहे की महिमा जब पूर्ण होती है तो उसके बाद एक चौपाई वो लिखते हैं, भाई कुभाय अनस अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। नाम जपत मंगल दिश दस हूं, अर्थात सब दिशाओं से कल्याण ही होगा आपका, चाहे भाव से करो, चाहे कुभाव से करो, चाहे क्रोध से करो, चाहे आलस से करो, चाहे कैसे भी भगवान का नाम जप करो, अकल्याण नहीं होगा, कल्याण ही होगा। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुभाव से ही करो, भाव से करो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। कुभाव से करो तो बेकार नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा फायदा होगा। गुस्सा में किसी को कहो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, प्यार से कहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे नाम महाराज तो व्यर्थ नहीं जाएंगे, लेकिन आप भाव से, प्रेम से, बहुत आदर के साथ जब करोगे तो उनकी महिमा ज्यादा होगी। अब बीच बीच में आप बोलते रहोगे दूसरी दूसरी बात तो थोड़ा सा कटौती हो जाती है, व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन नियम बना लो कि जब माला पूरी हो जाए तब बोलेंगे।
और बीच में कोई आवश्यक बात आ गई तो आप थोड़ा सा जप ज्यादा करो। मान लो माला पूरी होने के पहले आपको बोलना ही पड़ गया तो उस माला को वहीं अधूरे पर छोड़कर फिर दूसरा चालू करो, मतलब फिर से उसको, जैसे आपने 25 मन का जप कर लिया था तो अब ये पहले मन के से शुरू करो तो आपका अधिक जप हो जाएगा। गिनती में कम करोगे जप ज्यादा हो जाएगा तो उसमें फिर दोष का मार्जन हो जाएगा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, नाम निखिल चौधरी, इनका प्रश्न है। गुरु जी महाराज जी, योग वशिष्ठ में टाइम ट्रेवल की कथा है, लीला नाम की रानी अपने पूर्व जन्म में द्वारा पहुंच गई, यह कैसे संभव है? क्योंकि पूर्व जन्म तो बीत गया, वहां द्वारा कैसे पहुंचा जा सकता है, बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। देखो भाई, भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। और वशिष्ठ जी आचार्य थे, उन्होंने सुनाया था भगवान राम जी को, राम जी साक्षात भगवान और वशिष्ठ गुरु के रूप में भगवान थे। अब भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता ना। भगवान किसी को कितने जन्म पुराने में पहुंचा सकते हैं? थोड़ी देर के लिए चित्त वृत्ति को वहां पहुंचा देंगे, शरीर नहीं पहुंचेगा वहां। अब वो चाहें तो शरीर भी कुछ देर के लिए धारण करा सकते हैं, वो प्रभु की इच्छा से होगा, किसी के अपने बल से नहीं हो सकता है। राधे राधे। श्री राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अविनाश पांडे मेरा नाम है। प्रश्न है, गुरुदेव, श्री कृष्ण के ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु पर इतनी व्यथा क्यों ही? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे राधे। ये भगवान ने उत्पन्न किया था उनके अंदर, जो दुख उत्पन्न हुआ था ना, वो ठाकुर जी की लीला थी। वो क्यों किया था? जिससे आलस्य छोड़ करके आवेश में बड़ी ज्यादा एकदम शक्ति के साथ युद्ध करें, क्योंकि अब तक वो बहुत ज्यादा लोगों का आदर करते थे, बड़े लोगों का आदर करते थे, बाण भी चलाते थे तो जैसे फूल गिरा रहे हो, फूल की वर्षा कर रहे हो, ऐसे बाण की वर्षा करते थे वो द्रोणाचार्य के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर आदर करते थे। वर्षा तो क्या करते थे, पुष्प वृष्टि करते थे, जानबूझ करके ऐसे करते चोट न लगे उनको। तो भगवान ने सोचा ऐसे तो युद्ध चलता रहेगा वर्षों तक, कुछ होना जाना नहीं। तो जब वो अभिमन्यु मारा गया तो भगवान ने उस समय उनका ज्ञान हरण कर लिया। ज्ञान पहले दिया था लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ज्ञान हरण कर लिया, और जब उनको बहुत जोर से गुस्सा आया तब प्रतिज्ञा किया कि जिन्होंने मेरे पुत्र को अन्यायपूर्वक मारा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और जब प्रतिज्ञा कर लिया उसके बाद कर्तव्य का पालन करना ही था, तो उनके अंदर स्फूर्ति तीव्र करने के लिए, आवेश युक्त बनाने के लिए, कर्तव्य परायण में तीव्रता लाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की थी। नहीं तो वो क्षमा कर देते, युद्ध ही नहीं करते वो, कि वो कोई बात नहीं, मर गए तो मर गए, आगे बहुत लोग जिंदा है। तो ये भगवान को जल्दी कराना था, क्योंकि भगवान अधर्म की जय हो रही थी वो नहीं सहन कर सकते थे। कौरव पक्ष अधर्म का पक्ष था और धर्म का पक्ष हार रहा था, धर्म का पक्ष हार रहा था, अधर्म के पक्ष की जीत हो रही थी। ठाकुर जी को स्वीकार नहीं था इसलिए ऐसी लीला की थी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं वाराणसी से सुषमाकर प्रकाश पाठक बोल रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि अभी तक हमने सुना था कि 14 करोड़ राम नाम जप करने से श्री राम प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी एक चित्रकूट के संत हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर देखा और काफी उनके वीडियो चर्चित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 96 करोड़ राम नाम जप करने से भी राम प्रभु के दर्शन होंगे, तो एक व्यक्ति हिम्मत करके 14 करोड़ तो कर सकता है, लेकिन 96 करोड़ तो बहुत बड़ी संख्या है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। गुरुदेव भाई, ये जो बात बताई जाती है ना, ये उत्साह बढ़ाने के लिए बातें हैं, उत्साह बढ़ाने के लिए।
और वास्तविक बात क्या फिर आप कहोगे? मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, के कोटि जप जोग विरागा। ये भी लिखा हुआ है, इसको मान लो आप। मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, के कोटि जप जोग विरागा। जप भी आ गया इसमें, जप जोग विराग करोड़ों कर डालो तब भी राम जी नहीं मिलेंगे। कब तक? बिन अनुरागा, बिना अनुराग अर्थात बिना प्रेम के भगवान नहीं मिल सकते हैं, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिल सकते हैं। अब ये नाम महिमा की को बताने के लिए, नाम महिमा की मर्यादा बताने के लिए कहा गया इतना जप करो। यदि किसी का चित्त निर्मल है तो 14 करोड़ में ही हो जाएगा दर्शन, अनिर्मल चित्त नहीं है तो 96 करोड़ करो फिर। अब 96 करोड़ करो, जैसे पूरा पहाड़ पाप के पहाड़ ही पहाड़ हैं तो सबको गिराने में ज्यादा ताकत लगेगी ना। या आप किसी को कोयला ही दे दिया जाए कि लो साबुन लगा के सफेद बनाओ, कोयला दे दिया गया साबुन लगा लगा के सफेद बनाओ, इतना ज्यादा पाप है कि कोयला सफेद हो नहीं सकता। ऐसे वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बहुत लोगों को मारता काटता रहा है, ऐसे आतंकवादी समझो होते हैं, तो उनका सुधार जल्दी नहीं हो सकता। एक जन्म में नहीं होता, कई कई जन्म बीत जाते हैं तब होता है। तो इसलिए 96 करोड़ रात दिन कोई जप करेगा तब उसका सुधार होगा। और तब भी भगवत प्रेम यदि नहीं पैदा हुआ तो तुलसीदास जी की जो उपाय लागू हो जाएगी, मिलहिन रघुपति बिनु अनुराग, के कोटि जप जोग विराग। कितने जप जोग विराग कर लो, बिना भगवान के प्रेम के भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए प्रेम उत्पन्न यदि हो गया तो 14 करोड़ नहीं महाराज, और पहले ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो प्रेम उत्पन्न होने के लिए क्या करना होगा? भक्तों का चरित सुनो, भक्तों का चरित सुनो, प्रभु का नाम गाओ। जहां भक्त लोग कीर्तन करते वहां की रज उठा के माथे लगाओ, भक्तों की सेवा करो, भक्तों का सम्मान करो, उनको दंडवत करो, उनकी सेवा करोगे प्रभु खुश हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो जो संख्या बताई गई उसके पहले ही आपको लाभ हो जाएगा, प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो आप उत्साह मत बिगाड़िए अपना, हताश मत होइए, बस प्रभु का प्रेम आपके अंदर उत्पन्न हो जाए इसका ध्यान रखते हुए जब करिए तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, ये कह रही हैं कि महाराज जी, सांस छोड़ने में राम और सांस लेने में राम, दो बार राम हुआ या एक बार एक माला राम नाम की मानी जाएगी? सांस छोड़ने पर राम, नाम लेने पर एक बार माला हो जाएगी, तो इस पर जरा विस्तृत जानकारी प्रदान करें, कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन करें। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। माला कहाँ से हो जाएगी भाई? तो सांस छोड़ने और लेने में एक मन का होगा, और ये 108 बार करोगे तब एक माला होगा। आपने सांस लिया अंदर तो राम, और बाहर सांस आई तब भी राम, तो एक मनका में समझो, ये एक आपके श्वास वाली मनका चल रही है, श्वास वाली मनका चल रही है, अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना, तो एक सांस की मनका में राम जी 2 बार हो गए। तो अब ये 108 मन का हुआ तो 2 माला हो गई, 54 मन का अर्थात 54 बार सांस लिया आपने, श्वास आपने 54 बार लिया, और राम राम अंदर बाहर, अंदर बाहर राम राम, ऐसे आपका जप होता जा रहा है, तो आधा माला में एक माला होगा, एक सांस में नहीं एक माला होगा। राधे राधे। स्वामी जी आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विजय कुमार कानपुर से। इनका प्रश्न है गुरु जी कि हमारे यहाँ महायज्ञ हो रहा है, आज एकादशी को पूज्य संतों ने कन्या भोज में चावल की खीर परोसी
परोसी गई, क्या ये उचित है या अनुचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो वो लोग शायद एकादशी व्रत नहीं करते होंगे, ऐसा हो सकता है। नहीं तो एकादशी व्रत में चावल की खीर तो वर्जित होती है, केवल जगन्नाथपुरी में वर्जित नहीं है और हर जगह वर्जित है। चावल की खीर केवल जगन्नाथपुरी में ही एकादशी को भोग लगती है और दिन नहीं लगती। तो आप यदि व्रत नहीं करते होंगे तब तो शायद ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा विधान नहीं है एकादशी को चावल की खीर का भोग लगाने के लिए। तो जिन्होंने ऐसा किया होगा या तो भूल से हो गया होगा ऐसा, और या तो व्रत नहीं करते होंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी, स्वामी जी, समाज में यह भी परंपरा है कि जिसका जनेऊ और विवाह नहीं हुआ तो अपने मृत माता पिता को और अपने कुल में किसी को मुखाग्नि और श्राद्ध या तिरह भी नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे प्रश्न कोई भी शब्द गलत हो तो मुझे क्षमा करना, कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राधे राधे। अब आप ये बताइए कि जिसका जनेऊ नहीं हुआ है, अब जनेऊ होने का मान लो टाइम ही नहीं हुआ, अभी एज नहीं उसकी हुई है। अब जनेऊ तो कितना जल्दी करेंगे, तो 12 साल के पहले तो करते नहीं, 8 वर्ष के ऊपर ही करना पड़ता है। 8 वर्ष से अधिक उम्र हो जाए तब जनेऊ की जाती है। अब ऐसा दुर्भाग्य कहीं हो कि बच्चा अभी 8 साल का हुआ ही नहीं और उसके पिताजी मान लो नहीं रहे, अब मुखाग्नि कौन देगा? आपके बताए गए इस अधूरे सिद्धांत के अनुसार तो मुखाग्नि उसको दी ही नहीं जाएगी। ये गलत सिद्धांत है, ये कर्मकांड का विषय परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ेगा। किसी की जनेऊ नहीं हुई है तो वो भी पिता की मुखाग्नि देगा, क्योंकि उसी को अधिकार होता है विशेष। और उद्धार तो मुखाग्नि से केवल नहीं हो जाता है, ये बात भी समझ लो। केवल मुखाग्नि देने से जीव का उद्धार नहीं हो जाता है। अरे तुम सत्कर्म करो, भगवत भक्ति करो, उनके लिए सब अच्छे अच्छे कर्म करो, मुख्य रूप से प्रभु के नाम का कीर्तन कराओ और गौ माता की सेवा करो, ब्राह्मणों की, भक्तों की और संतों की सेवा करो, उनके लिए ये सब सत्कर्म करो और प्रभु के नाम का कीर्तन कराओ। मुखाग्नि तो प्रथम धर्म हुआ, उसके बाद का कर्म सब तो बाकी है, अभी तब उद्धार होगा। श्री राधे राधे। श्री राधा देखो जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुवाहाटी आसाम से नागेंद्र मोहन भट्टाचार्य बोल रहा हूँ, आपको बार बार नमन करता हूँ। आपसे मैंने पहले भी मार्गदर्शन पाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है गुरु जी का, गुरु जी, बचपन से मुझे सभी देवी देवता के लिए सुनकर अच्छा लगता था, आपका भक्त चरित्र वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सुखपूर्वक लाभान्वित होते हैं। जब से मुझे यह ज्ञान हुआ है कि एक ही देवता होने चाहिए इष्ट के रूप में, तब से प्रभु श्री राम को मैंने अपना इष्ट मान लिया है। मैं रोज पूजा में सारे देवी देवताओं को यह प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं प्रभु श्री राम को जन्म जन्मांतर रोज प्रसन्नता पूर्वक पूजा कर सकूं, उनकी स्तुति कर सकूं और उनका हृदय मंदिर में दर्शन कर सकूं। गुरु जी, मेरी भक्ति कोई विविचारणीय भक्ति तो नहीं है, कृपया करके गुरुदेव मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। नहीं, ये व्यविचारण नहीं, अव्यविचारणी भक्ति है। और गीता जी के 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समती चैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने कहा, अर्जुन, गुणातीत होने की बात जो तुमने पूछा है उसमें एक मुख्य बात यह है कि जो अव्यभिचारणी भक्ति योग से मेरी उपासना करता है उसी उपासना के ही फलस्वरूप गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा ही संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। अव्यभिचारिणी का तात्पर्य होता है कि दूसरे का प्रवेश नहीं, अकेले प्रभु की ही भक्ति हो, वो अव्यभिचारिणी। और भगवान भी मान रहा है और सबको भी मान रहा है, जहां मन में आए वहीं पहुंच गए और भगवान को नहीं समझ में आया अब दूसरे को ट्राई करेंगे,
अब इसके बाद वो पीर को, उस पैगंबर को, उस कबर को, उस जगह चलेंगे, उनको ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो हुआ नहीं। तो ये भक्ति वाली बात नहीं, ये तो भगवान को बेचकर संसार प्राप्त करने की बात हुई। भगवान को बेचेंगे और संसार खरीदेंगे, ये तो बहुत नासमझी वाली भक्ति है, अज्ञान वाली। इससे नहीं कुछ लाभ होगा। प्रभु से प्रेम करो और दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, केवल अपने प्रभु से प्रेम करो, यही अव्यभिचारिणी भक्ति। श्री राधे राधे। आप लोग श्री राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। मेरा नाम काव्या मिश्रा है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। महाराज जी, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उसके तुरंत बाद मरने के बाद क्या हम अपने परिवारिक जनों को देख और सुन सकते हैं, या तुरंत जीव अपनी अगली यात्रा पर निकल जाता है? क्या सूक्ष्म शरीर से हमें दिखाई सुनाई देता है, सबको हम उसी संबंध में पहचानते हैं, या मृत्यु के तुरंत बाद हम? महाराज जी कृपा कर बताने की कृपा करें, समाधान करें। श्री राधे राधे। मैं बता रहा था, हाँ, तुरंत वाली जो बात होती है ना, एक्सीडेंटल डेथ में होती है। एक्सीडेंटल डेथ में तुरंत उसका आगे का रास्ता शुरू हो जाता है, लेकिन यदि उसी समय उसका कर्मकांड वाला कार्यक्रम शुरू हो जाए तो जीवात्मा आकाश में रह करके अपने डेड बॉडी को देखता है और उसके साथ क्या क्या कर्म हो रहा है वो देखता है, परिवारिक जनों को देखता है। और यदि उसका कार्यक्रम चालू रहे तब तो वो उसका त्रयोदश गात्र विधान तक देखता है, फिर उसके आगे पुण्य पाप को लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन यदि उसके पीछे ये सब करने वाला कोई नहीं है तो फिर उसको आगे की यात्रा जो है जीव की, वो शुरू वहां भेज दिया जाता है। पाप अधिक होंगे तब तो नरक में ही जाएगा, और पुण्य बहुत ज्यादा होंगे तो स्वर्ग में जाएगा, बीच का होगा तो पृथ्वी पर पुण्य और पाप को मिला करके लेकर के प्रारब्ध जन्म लेगा, और कभी दुख कभी सुख इसमें चलता रहता है। भक्तों, अपने कर्तव्य के अलावा जो बाद में किया जाता है कर्म, वो तो दूसरों के हाथ में होता है, वो हमारे हाथ में तो रहता नहीं। मरने के बाद कौन करेगा इसको क्या पता हमें, तो इसलिए मरने के पहले ही सब कुछ कर लेना चाहिए। मरने के बाद में हमारे क्रिया की जाएगी नहीं की जाएगी, फिर ये सब के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपने हाथ से ही जितना पूजा पाठ भक्ति दान धर्म सब कर सकते हो करो, बाद की क्या कर पाओगे भाई, बाद क्या क्या, बुढ़ापे में ही आदमी को नहीं कर पाता है, बुढ़ापे में बच्चों के अधीन हो जाते हैं। अब बच्चे तो फिर पूरा शासन करते हैं बूढ़े के ऊपर, मरने के पहले ही पराधीन हो जाते हैं, तो बाद में कौन करता है। राधे राधे। राधे महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं हरिओम शर्मा भरतपुर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, मैं कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाता हूँ, किंतु मेरे लीवर में परेशानी होने के कारण मुझे अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। अब उन दवाइयों में क्या मिला होता यह नहीं पता, क्या मैं उन दवाइयों को बंद कर दूं? कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। दवाई खाना भाई मजबूरी है, खान पान बिगाड़ना मजबूरी नहीं होती। दवाई खाना, दवाई में एक तो हम जानते नहीं क्या क्या चीजें हैं, दूसरी बात यह कि शरीर की रक्षा हम इसलिए करते हैं कि शरीर रहेगा तो हम आगे भक्ति कर सकेंगे, आगे हम किसी की सेवा कर सकेंगे, सत्कर्म कर सकेंगे और उपकार भी कर सकेंगे, पुण्य भी कर सकेंगे। और दवाई के अभाव में मर जाने पर जो मौका हमको मिलना था वो चला जाएगा, इसलिए औषधि लीजिए। हाँ, यदि आपको पता चलता है कि हमारे लिए दूसरे को बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा, तब उससे आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते, भाई हम किसी ऐसे का खून या ऐसे का ऑर्गन अपने में ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे जिससे उस व्यक्ति को संकट आ जाए। अब किसी व्यक्ति को जैसे किडनी देनी पड़ रही या ब्लड बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, उसके बाद फिर उसका शरीर जो बिगड़ने लग जाएगा, तो ऐसी पोजीशन में आप कम से कम उससे सहयोग लो तो अच्छा रहेगा।
लेकिन दवाइयां जो हैं वो तो इलाज के लिए लेनी पड़ती हैं। अब आपको मालूम हुआ कि इस दवाई में शराब पड़ी हुई है या मांसाहार है, उस पर लाल चिन्ह बना रहता है, ग्रीन और रेड दो प्रकार के निशान बने रहते हैं। ग्रीन रेड, ग्रीन वाला शाकाहारी है, रेड वाला मांसाहारी है, तो उसको यदि आप देख पाओ तो उसका थोड़ा विचार कर लिया करो, ग्रीन वाला लो, रेड वाला मत लो। तो जितना संभव है उतना आप उसे बच जाइए। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है, भक्ति का साधन है, इसलिए शरीर की रक्षा के लिए बिना किसी का अहित किए हम अपना इलाज करा सकते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।